गरिमा, दिस इज फॉर यू. मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रश्दी. ये हमारे सिलेबस में, ये तो हम ले भी सकते हैं. हाँ. हमें लगा ऐसी पतली सी होगी, पढ़ाई नहीं है. Souls, this is Rishvika and welcome to Minding Ways. So finally हम लोग मनाली जा रहे हैं. हमेशा ट्रिप्स प्लान करते हैं और कभी भी जाते नहीं हैं, बट फाइनली हम लोग जा रहे हैं. एंड ऑल्सो हम लोग ने पहले सोचा था कि हम लोग सीधे मनाली जाएंगे, बट देन सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए हम लोग ने सोचा जिस दिन हम लोग शिमला पहुँचेंगे, सोलन से शिमला अराउंड 2 hours लगते हैं, तो हम लोग ने सोचा शिमला में ही हम लोग रुक जाएंगे, आसपास की जगह एक्सप्लोर करेंगे एंड देन नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम लोग मनाली के लिए निकलेंगे. एंड ऑल्सो दिस इज़ माई फर्स्ट ट्रेवल व्लॉग कह सकते हैं, तो हाँ, इट इज़ माई फर्स्ट अटेम्प्ट, सो पार्डन माई मिस्टेक्स इफ यू फाइंड एनी. एंड तब तक के लिए इन्जॉय द सीनरी, इन्जॉय द जर्नी. अच्छी है, मतलब रास्ता हमें तो बहुत सुंदर लगता है. I absolutely love journey. Destination से ज़्यादा मैं journey अच्छी लगती है. And also हमारी आवाज़ थोड़ी अजीब आ रही होगी, so please bear with me क्योंकि हमारा गला बैठा हुआ है. राजगढ़ बस स्टेशन. आई डोंट नो इफ आई एम ऑडिबल और नॉट, बट येस एंड वी आर ऑन अ वे टू मनाली. एंड राइट नाउ आई एम वेटिंग फॉर साक्षी, आकांक्षा, बेसिकली माई फ्रेंड्स. सो येस, लेट्स सी वो कितनी देर में आते हैं. आई गेस आफ्टर अराउंड 20 मिनट्स. एंड ऑल्सो आई एम फीलिंग रियली रियली ऑकवर्ड बिकॉज इट्स माई फर्स्ट टाइम आई एम शूटिंग, आई एम फिल्मिंग माई वीडियो एट सच अ पब्लिक प्लेस वेयर देर आर सो मेनी पीपल. एंड आई एम श्योर many of them might be staring at me, but okay, kuch karne ke liye you have to give up, you have to come out of your comfort zone. So yes, right now we are at the Rajgarh bus station. And also while editing I'll see if I'm not audible, then I'll give the subtitles. So yeah, also guys, one more thing, I just realized something, that you know most of the times it's all in your head. I always say that it's all in your head because like I said, okay, I'm feeling so awkward, maybe everyone is staring at me and all that, but when I just turned off my camera and I looked around, वैसे लोग कम थे and जो थे वो सब अपने में busy थे, no one was staring at me. So it's all in your head, half of the time it's we who are thinking अरे पता नहीं क्या लोग सोच रहे होंगे. So it's nothing like that, everyone is in their own world, is busy in their own world. So yes, that's one thing we learned. Also, you remember the thing that I said on bus stand, that you know it's all in your head, that people are staring at you but everyone is busy in their own world, so it's all in your head. But now I guess I have to change that perception because yahan pe bahut log dur hain.
अब हम शिमला बस स्टैंड पहुंच गए। सो गाइज, हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं शिमला बस स्टैंड पे। अभी हम लोग मोमोज खाने के लिए रुके हैं, जो कि हम लोग कितनी सारी जगहों पे घूमे थे, है ना। और हमने चाय भी ऑर्डर करी क्योंकि कॉफ़ी नहीं है। तो अभी हम लोग चाय, वैसे हमें तो चाय बहुत अच्छी लगती है, माय फेवरेट। इन मैडम को चाहिए नहीं, थी कॉफ़ी। मेरे को भी चाय अच्छी लगती है, बट मेरा मन था कॉफ़ी पीने का मूड। तो यस, वी विल मीट यू, कीप यू गाइस कनेक्टेड। ओके बाय। अभी हम लोगों ने कैब ली है, टैक्सी सर्विस से। 550 लग रहा है यहाँ से जाकू वाइब, जहाँ हम लोग रहने वाले वहाँ तक जाने के। बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो हम लोग जहाँ पर रुके थे उसका नाम है जाकू वाइब्स एंड इट इज़ एन अमेजिंग होटल। तो इसका हम एक अलग से रिव्यू वीडियो बनाएंगे, बिकॉज वी हैड सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अब हम लोग जाखू टेम्पल जा रहे हैं। लाइक ऐसे हमें जर्नी बहुत अच्छी लगी, तो भले ही ये छोटी सी वॉक है, हमें रास्ता बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। एंड ऑल्सो हमने ज़्यादा क्लिप्स नहीं ली क्योंकि हम लोगों को ये था कि रास्ते में बहुत सारे बंदर मिल सकते हैं, तो कहीं बंदर झपट्टा वगैरह मार के मोबाइल ना ले लें, क्योंकि ऐसी सी बहुत ज़्यादा स्टोरीज चलती हैं, किसी का वहाँ पर बंदर स्पेक्स ले लेते हैं, मोबाइल ले लेते हैं, तो ये सब होता है। तो इसलिए हम लोग थोड़े कम ही मोबाइल यूज़ किया था। एंड ऐसा हुआ भी था, जब हम लोग जाकू टेम्पल जा रहे थे तब तो इतने बंदर नहीं मिले थे, लेकिन जब हम लोग जाकू टेम्पल से वापस आ रहे थे मॉल रोड की तरफ, रास्ते में इतने सारे बंदर, मतलब रोड के बीचों बीच बैठे थे पूरी पूरी फैमिली, और देयर वर सो मैनी मंकीज। तो हाँ, ये एक चीज़ है उधर। एंड आई गेस ये ऑलमोस्ट सारे हनुमान जी के टेम्पल्स में होते हैं, है ना। तो जाकू मंदिर की स्टोरी ये है कि जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था तो उनके ट्रीटमेंट के लिए संजीवनी बूटी मंगवाई गई थी, तो हनुमान जी पूरा माउंटेन ले आए थे। फिर जब लक्ष्मण जी का ट्रीटमेंट हो गया और हनुमान जी वापस उस माउंटेन को अपनी जगह रखने जा रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पे जाकू हिल पे रेस्ट किया था। तो उनके वेट के कारण कहते हैं जाकू हिल फ्लैटेंड हो गई थी, और यहाँ पे ही ये जाकू मंदिर बना। तो ये वो स्टोरी है जो हमने पढ़ी है। खड़ी रहोगी? हम कह रहे थे बैठ जाओ, कोई ना, तुम पूरी आओगी नहीं ऐसे। हाय, तुम्हें धुआं नहीं लग रहा? तुम उधर एकदम आग के पास बैठे हो, इस तरफ आ जाओ, उधर आ गई धुआं। ओह कितना अच्छा शॉट है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। एंड ये हम लोग को मॉल रोड में बहुत प्यारा सा डॉगो मिला था। And the very popular Ridge की softie.
पहले यहाँ पे कहाँ चलना है? यहाँ बुक शॉप, आई लव बुक एंड स्टेशनरी शॉप। वो नहीं थी, हमें एटॉमिक हैबिट्स भी लेनी थी यार, हमें ये सब लेनी थी। हाँ ये सारी लेके यहाँ से हम वापस चलते हैं। छोटे में हम ये लेते थे, कुछ समझ नहीं आता था। गरिमा दिस इज फॉर यू। ओथेलो हैमलेट कुछ ले रहा है आकांक्षा? नॉट मी प्लीज। नो नो थैंक यू सो मच। ओथेलो की वो चेंज हो गई क्या कवरिंग? स्टोरी तो सेम है ना, कंटेंट सेम है। सेपियंस ये भी हमने सुना, बड़ी अच्छी बुक है। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी, ये हमारे सिलेबस में ये तो हम ले भी सकते हैं। हाँ हमें लगा ऐसी पतली सी होगी, पढ़ाई नहीं है। पोलो कोएलो की भी बड़ी अच्छी होती हैं। आज हम पलेरी को ढूंढते हैं। अरुण जेटली और न्यू इंडिया, शकुन अर्ली इंडियंस। गोलगप्पे तुम खाओगी? गोलगप्पे तो ये वो वाले नहीं है, दूसरे हैं। हाँ शाम का व्यू रिज से इतना प्यारा लगता है, इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स अ ट्रीट टू आईज। इतना ज़्यादा तो आवुद से आप जब भी शिमला जा रहे हैं, रिज विजिट कर रहे हैं, शाम के जो ये सनसेट का टाइम होता है तब ज़रूर विजिट करें। इट्स रियली 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 ब्यूटीफुल, इट्स सो मेसमराइजिंग। That was it for today's video. अभी next video में हम लोग मनाली जाएंगे। So see you next time. Till then, stay blessed, stay happy.